भाई जतिन भाई भीम नहीं पता? मैं तो सीख रहा हूँ नहीं सीरियसली बोला किसका है ये कुछ चाहिए और प्लीज डू सब्सक्राइब फुल टू मूवी प्लीज डू सब्सक्राइब फुल टू मूवी हाय, दिस इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी। प्लीज डू सब्सक्राइब फुल टू मूवी। हाय, दिस इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी। प्लीज डू सब्सक्राइब फुल टू मूवी। नरगिस साइलेंस। ऑफ कोर्स उसके खास खास बात ये है, क्योंकि पूरे प्रोमो में एक इनोसेंसी, एक क्यूटनेस नज़र आती है। जितने भी सारे कैरेक्टर हैं सबकी एक एक बहुत भारी भरकम फिल्म नहीं है, बहुत ही सिंपल सी फिल्म है और बहुत ही इंस्पायर करने वाली फिल्म है। तो इस वजह से आई थी, और एक कनेक्टिविटी कनेक्ट करती है, आम आदमी को कनेक्ट करती है, इसलिए रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। ऑफ कोर्स अच्छा तो किसी भी एक्टर को अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और एक 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 मोटिवेशन मोटिवेट करती है ये, जो जो अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई आगे भी नेक्स्ट नेक्स्ट जो आप फिल्म करोगे उसी शिद्दत के साथ करो, उसी ऑनेस्टी के साथ करो, क्योंकि वही चीज़ें कनेक्ट होती हैं। इस फिल्म का सुहेल भाई ने वन लाइन मुझे बताई थी एक बार, तो वन लाइन बहुत बढ़िया थी इसकी। तो फिर मैंने बोला ऑफ कोर्स मैं करना चाहूँगा इस फिल्म को। तो फिर सुहेल भाई ने फिर इस फिल्म में लाइक जैसे स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसमें डायलॉग्स ऐड किए, फिर ये सारी चीज़ें, फिर पूरी प्रोसेस शुरू हो गई। क्योंकि उनका जैसे मानना है सुहेल भाई का कि अगर हम कोई कोई एक्टर अगर को हम माइंड में रख के फिल्म लिखते हैं तो बहुत ईज हो जाता है फिल्म लिखना, फिल्म के डायलॉग्स बहुत ईजी हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस से स्टार्ट किया था एक्चुअली इस फिल्म को सुहेल भाई ने। नहीं, बजरंगी भाईजान के टाइम की बात है, जब मैं बजरंगी की शूटिंग कर रहा था, हम लोग कश्मीर में थे, तो सुहेल भाई आए थे मिलने के लिए, और मिलने के लिए आए थे, और मैं ये रात में पहुँची कश्मीर, और मैं तब तक शूटिंग करके सो गया था। तो सुबह इनको जाना था अर्ली मॉर्निंग, तो बिना मिले ही ये वापस आ गए थे बॉम्बे में। तो फिर मैं बॉम्बे आया बजरंगी की शूटिंग ख़त्म करके, फिर बाकायदा फिर हम लोग बैठे डिटेलिंग पे बैठे, फिर उस तरीके से फिर स्टार्ट हुई थी। नहीं, नरेशन हुआ था तब सलमान भाई ने वो पूरी स्क्रिप्ट सुनी थी और बहुत ही मज़ा आया था उनको, तो तब से वो चाह रहे थे कि वो एक रोल भी करें इसमें, बट ये फिल्म अलाउड नहीं कर रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स सलमान भाई एक लार्ज इन द लाइफ इमेज है उनकी। तो और ये फिल्म जो है बहुत ही लाइक उस लेवल पे सलमान भाई की प्रेजेंस से हो सकता है इसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है इस फिल्म में, तो क्योंकि उनकी जो लार्ज एंड देन लाइफ इमेज है वो इसमें शायद वर्क नहीं करता। ओके, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनकी लाइट फिल्म है, कहीं ऋषिकेश अब ये तो देख के आपको पता चलेगा कि किस तरह की लाइट फिल्म है ये। जैसे मैंने बताया कि लाइट फिल्म भी है ऑफ कोर्स, और एट द सेम टाइम बहुत इंस्पायरिंग फिल्म भी, बहुत इंस्पायर करेगी, और ख़ास तौर से उन लोगों को इंस्पायर करेगी जो जिनकी जर्नी होती है, जो 0 से 100 तक जाते हैं, तो वो वैसा है। आप कितना
थोड़ा रिलेट करते हैं अली के किरदार से, क्योंकि आपकी भी एक अलग तरह का संघर्ष रहा, एक अलग तरह की जद्दोजहद रही है। मैं तो ऑफकोर्स रिलेट ही करता हूँ, और मैंने जैसे बताया कि वो भी बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं जो जिनकी ज़िंदगी, जिनकी लाइफ, जिनका करियर बहुत छोटे उससे शुरू हुआ था और एक अचीव करने के बाद एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो सारे लोग इस फिल्म को कनेक्ट करेंगे एक्चुअली। सी फिल्म जो है ना, हमेशा कभी भी किसी एक के कंधे पे नहीं होती, और आई थिंक जिसमें इस फिल्म में जितने भी किरदार हैं, कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, जितने, चाहे वो सीमा विश्वास हों, निकेतन धीर हों, जस अरोरा हों, सीमा जी हों, अरबाज भाई हों, है ना, सब ने कुछ ना कुछ एड ऑन किया है जिनका होना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से फिल्म बनी है। तो जितना मेरे कंधे पे है उतना उनके कंधे पे भी है फिल्म। ओके, तीनों के साथ आप काम करते हैं, सोहेल जी के साथ, सोहेल भाई के साथ एज ए डायरेक्टर काम करते हैं, सलमान जी के साथ स्क्रीन पर, अरबाज के साथ काम करते हैं, क्या मुख्तलिफ है तीनों? अगर हंस की हम बात करें, सोहेल अरबाज और सलमान, मुख्तलिफ तो यही है कि तीनों अलग अलग सोच के इंसान हैं, अलग अलग थाट हैं, लेकिन एक ही माँ बाप के बेटे हैं। जुदा, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल अलग, किसी भी, ये सबसे अच्छी जो मुझे जो इंस्पायर की इन तीनों में, एक सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों के थॉट बिल्कुल अलग अलग हैं। किसी, कोई भी एक ब्रदर जो है दूसरे ब्रदर से इन्फ्लुएंस्ड, थॉट वाइज इन्फ्लुएंस नहीं है। सोहेल भाई का अपना अलग थॉट है, अलग तरीके से सोचते हैं। अरबाज भाई का है, वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं, और सलमान भाई तो बिल्कुल ही अलग तरीके से सोचते हैं। तो तीनों का अलग अलग थॉट है, कहीं से मैच नहीं है। तो ये एक खास बात है। वो एक्चुअली सीन है, एक्चुअली फिल्म में वो सीन का एक हिस्सा, और बहुत इम्पोर्टेंट सीन है वो फिल्म में, जहाँ पे अरबाज भाई जो है वो टेडी का पूरा किट उठा के चल रहे हैं, है ना, और मैं स्टिक लेके चल रहा हूँ। वो फिल्म का एक बहुत ही क्रिटिकल सीन है। मैंने कभी गोल्फ देखा भी नहीं था, सच बताऊँ। मैं टीवी पे कभी देखा था, और ये सोच के, यार ये इतना पास में गड्ढा है, इतनी देर क्यों लगा रहा है, ये डाल देना गड्ढे में तो डालना है। लेकिन जब खेलना शुरू किया तब पता चला कितना मुश्किल है। कितनी कंपैरिजन होगा क्या आपको लगता है, क्योंकि फिल्म स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स के ऊपर है, और भी बहुत सी फिल्म स्पोर्ट्स पे आके जा सकती है, क्या कंपैरिजन होगा? नहीं, कंपैरिजन की तो किसी फिल्म से, हर फिल्म का अलग अलग फिल्म होती है, उसकी अलग अलग स्प्रिट होती है, अलग अलग थीम होता है, अलग अलग एसेंस होता है फिल्म का, कि आप पर्टिकुलर दो सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म है, लेकिन हो सकता है डायरेक्टर, दूसरा जो डायरेक्टर है वो कुछ और कहना चाह रहा हो। लव स्टोरीज़ के ऊपर करोड़ों फिल्में बनती हैं, है ना, लेकिन हर डायरेक्टर का यही होता है सोच कि मैं इस लव स्टोरी से ये कन्वे करना चाहता हूँ। एमी जैक्सन के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और कमाल की, मतलब स्प्रिट है इनके अंदर जो है। रोमांटिक सीन करने में कितना, क्योंकि जो आप ऑलरेडी एक माउंटेन मैन राधिका के साथ कर चुके हैं, हाँ, कुछ तजुर्बा तो वहाँ से भी हासिल कर लिया होगा। हाँ, काफ़ी तजुर्बे हासिल किए मैंने, हुमा कुरैशी के साथ भी किया है ना, फिर थोड़ा सा तजुर्बा डगमगा गया था जब मैं बाबू मोशे बंदूकबाज कर रहा था, तो वो भी एक तजुर्बा था। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस इकट्ठे करके जो है वो एम ए जैक्सन के साथ फिर काम करना शुरू किया, तो मतलब सिक्का चल गया। उसके अलावा अभी बहुत कुछ पाइपलाइन में, अब नंदिता के साथ आपने खिलाड़ छोटा सा
मंटो कर रहा हूँ नंदिता के साथ, ऑफ कोर्स बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं, और मंटो मतलब मेरी नज़र में वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट राइटर रहे हैं वो। और उस वक्त पे जब अशोक कुमार और हमारी इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही थी उस वक्त के राइटर हैं। फिर पोस्ट पार्टीशन के बाद फिर वो शिफ्ट हो गए थे वहाँ पे, पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, तो उनकी लाइफ के ऊपर है कि उन यहाँ से शुरू होती है उनकी लाइफ पाकिस्तान में जाके जो है कैसे उनकी जर्नी कैसे ख़त्म होती है उस चीज़ के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से कि वो फ्रीकी अली का हिस्सा बने? फ्रीकी अली एक हर उस इंसान की कहानी है जो लाइफ में कुछ करना चाहता है और कुछ कर दिखा देता है। और हर इंसान जो है लाइफ में ऑफकोर्स कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो इसलिए वो कनेक्ट करती है सबसे, आम लोगों से, स्पेशली आम लोगों से कनेक्ट करती है वो, तो इसलिए देखना है। अच्छी बात है, तो क्या मैं क्या बोलूँ, तो बहुत पहले बननी चाहिए थी। अरे उनका संगीत तो खैर बहुत ही कमाल रहा है, मैं तो मतलब काफ़ी बहुत गाने सुने हैं उनके, उनके पूरा हिंदुस्तान मुतासर रहा है उनके गानों से। किसे आप देखते हैं आडी बर्मन किरदार निभाते हुए, अगर क्या आडी बर्मन प्ले करना चाहेंगे आप अगर आपको मौका दिया? ऑफ कोर्स क्यों नहीं करना चाहूँगा। आशा भोसले कौन कर रही है? अच्छा, बहुत अच्छी जोड़ी है, बहुत बढ़िया। और अगर आपको मौका दिया, आपको ऑफर करा जाए, तो आप जरूर आडी प्ले करना चाहेंगे? हर एक्ट किसी भी एक्टर के पास जाएगा तो यार कोई भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आप आगे बढ़ने क्यों नहीं करूँगा, ऑफ कोर्स। थैंक यू।